बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नॉलेज ऑफ जॉब्स में आपका खुश आमदीद। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें शामिल है कि भर्ती ब्रह रिक्रूटमेंट सेकंड सिलेक्शन शेड्यूल 2019 का पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये असामी खाली थी। तो असामी की जो है मुकम्मल डिटेल आप जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जो आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि मेरी हर बात जो है वो आपको डिटेल से समझ आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि ऐसी जो लेटेस्ट वीडियोस होती हैं इनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि सेकंड सिलेक्शन शेड्यूल जो है 2019 मोरखा 10 अप्रैल से लेकर 10 मई 2019 तक हो रही है और ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन जो है www.joinpakarmy.gov.pk पर जो है इसमें सेंटर होगी और इंट्री टेस्ट और मेडिकल की तारीख जो है वो रजिस्ट्रेशन के वक्त उम्मीदवार को दी जाएगी। कागजात जो ईएमई सेंटर में साथ लाने वो आप देख लेंगे, शनाख्ती कार्ड या बे फार्म, इसकी जो है असल और 3 अदद फोटो कापियाँ और सेकंड नंबर पे वालद के शनाख्ती कार्ड, उसमें जो 2 अदद फोटो कापियाँ और उसके बाद डोमिसाइल, इसमें असल और 3 अदद फोटो कापियाँ और उसके बाद तालीमी असनाद, इसमें असल और 3 अदद जो है फोटो कापियाँ, उसके बाद है पासपोर्ट साइज तस्वीर, इसमें ये 4 और ख़त वाले जो लिफाफे हैं वो 2। उसके बाद सेकंड नंबर पे है जो है फिज़िकल के लिए जो है ट्रैक सूट, टी शर्ट, जुराबें और जुगर हमरा लाएँ। और नंबर 3 पे है इजाफी नंबर के लिए ज़रूरी कागजात हैं वो आप देख लें, वो आप देख लें। पहले नंबर पे रिटायर्ड फौजों के लिए जो है उनके बच्चों के लिए डिस्चार्ज बुक की फोटो कापी और हाजिर सर्विस फौजों के बुक के लिए सर्विंग सर्टिफिकेट। और नंबर 2 पे कंप्यूटर डिप्लोमा कम अज़ कम 1 साल या 1 से ज़्यादा, इसमें असल और 3 अदद उसकी फ़ोटो कापियाँ चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी असल और 3 अदद फ़ोटो कापियाँ। और उसके बाद हाफिज़ कुरान सर्टिफिकेट, असल और 3 अदद फोटो कापियाँ और उसमें बी ए सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसमें भी असल और 3 अदद फोटो कापियाँ हो। और उसके बाद है उम्र की हद, वो आप देख लेंगे 17.5 से 23 साल, जो कि 1 अक्टूबर 2019 तक हो। और नंबर 2 पे है बी ए पास और फौजों के बच्चों के लिए 1 साल की रियायत है। उसके बाद है ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले और बी ए पास फौजों के बच्चों के लिए 2 साल की रियायत है। और उसके बाद आप देख लेंगे बलोचिस्तान से रिहायशों के लिए उम्र की हद जो है 26 साल तक है, जो कि 1 अक्टूबर 2019 को हो। और कद जो है वो 5 फीट 4 इंच और छाती जो है 74-79 सेंटीमीटर हो। उसके बाद आप नोट देख लें कि उसमें नोट भी दिया गया है कि शोधा के अलावा किन के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन डिस्कैम की गई है, अपना शोधा सर्टिफिकेट जो कि GHQ ने दिया है कि कापी लाजमी साथ लें। तो उसके बाद आप नीचे मजीद तफसील के लिए देखें, उनका फ़ोन नंबर दिया गया है तो वहाँ से जो है मजीद डिटेल जान सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।